अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लेंगे क्लास, सेकंड क्लास लेंगे इंग्लिश की, क्लास सेवन की। फर्स्ट क्लास हो चुकी है आप लोगों की, जिसमें लेसन पढ़ाया जा चुका है शाब्दुल लतीफ बेटा, द लास्ट सर्मन ऑफ द होली प्रॉफिट। आज हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे शाब्दुल लतीफ बेटाई। तो पहले हम लोग रीडिंग करेंगे, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी चैप्टर, देन हम उस चैप्टर की वर्किंग करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे सेकंड चैप्टर, सेकंड लेसन शाब्दुल लतीफ बेटाई। सबसे पहले मैं उसकी आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दूंगी, उसके बाद हम वर्किंग करेंगे। तो हम एक्सप्लेनेशन पर आते हैं। पहले शाब्दुल लतीफ बेटाई जो है हमारे सिंध के एक सूफी शायर थे, लोग उन्हें अकीदत मंदी से लाल लतीफ भी कहते थे। आप एक छोटे से गांव हाला हवेली में 1102 हिजरा में पैदा हुए। आप जो है बचपन ही से, चाइल्डहुड से ही जो है ना अल्लाह ताला की मोहब्बत की तरफ जो है ना चले गए थे, रागब हो गए थे। और आपने अपने चाइल्डहुड में ही, जब आप लड़के थे, तो आपने पोइट्री लिखना शुरू कर दी, नज़में लिखना शुरू कर दी थी। जब आप 20 साल के हुए तो आपकी शादी हो गई और आप अपनी बीवी से जो है ना बहुत काइंड नेचर के थे, तो आप अपनी बीवी से बहुत अच्छे जो है ना बिहेवियर के साथ पेश आते थे। आपने जो है ना बहुत साल अपने घर में गुजारे, और घर में गुजारने के बाद अब अल्लाह ताला की तरफ, अल्लाह ताला की मोहब्बत में, यानी कि वो दीन की तरफ बहुत हो गए थे। और आपने जो है ना बहुत छोटी उम्र से ही जो है ना अरबी और फारसी में स्कॉलर, जब आप बड़े हुए तो आप अरबी और फारसी के स्कॉलर बन गए। जब आपके वालिद का इंतकाल हो गया, बहुत साल जब आप अपने घर में रहे तो वो बेजायर महसूस करने लगे, बोर हो गए। तो और जब आपके फिर आपके वालिद का इंतकाल हो गया, तो आप जो है अपने घर को छोड़ दिया आपने, और आप अपने गांव के करीब एक जो है ना वो था, माउंट था, जिसे कहते हैं टीला, रेत का टीला था, वहां पे जाके आप रहने लगे। और आपने अपनी बाकी की जिंदगी उस टीले पर ही गुजारी। और जब आप वहां रहते तो आप जो है ना बहुत वो आइसोलेटेड नेचर के थे, तो आपने वहां पे अल्लाह ताला की इबादत की, और आपने जो है ना आपको शायरी से भी, और आपने शायरी भी करी, अल्लाह ताला की तारीफ में अशआर भी लिखे आपने। शाब्दुल लतीफ बेटाई ना सिर्फ सूफी शायर थे, बल्कि इन्हें म्यूजिक से भी बहुत जो है ना अट्रैक्शन फील होने लगी। तो जब आपने इस स्किल में कमांड हासिल कर ली, तो आपने जो है ना एक इंस्ट्रूमेंट डिस्कवर किया, इंस्ट्रूमेंट इन्वेंट किया, जिसका नाम था तंबूरो। क्योंकि आप समझते थे कि जो है ना म्यूजिक को जो है ना बहुत आसान होना चाहिए, आम लोग सुनते हैं तो आम लोगों की लैंग्वेज में ही होना चाहिए, म्यूजिक और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को जो है ना आसान होना चाहिए। क्योंकि सिंपलिसिटी उन्हें पसंद थी, तो इन्होंने म्यूजिक को भी जो है ना सिंप्लीफाई किया। आपने एक जो है इंस्ट्रूमेंट इन्वेंट किया, जिसे तंबूरो कहते हैं। ये एक जो है ना अरब का एक इंस्ट्रूमेंट उसकी तरह था, लेकिन इसके जो है स्ट्रिंग्स की जो है ना नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स डिफरेंट थे। आपने बहुत सारी जो है ना सॉन्ग्स लिखे थे उस इंस्ट्रूमेंट पे। आज भी वो जो है इस सिंध में जो है ना बहुत मशहूर है वो इंस्ट्रूमेंट। आप 1165 में आपकी डेथ हो गई, और उसी टीले पर जहाँ पे आपने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी थी, और आपकी वहीं पे डेथ हो गई और वहीं पे आपको दफन किया गया। वहाँ के एक बादशाह थे गुलाम शाह कलहोड़ो, वो आपसे बहुत अकीदत मंदी रखते थे, तो उन्होंने आपकी कब्र पर ही आपका जो है ना मजार बना दिया, श्राइन बना दिया। और आपका जो है उर्स हर साल इस्लामी महीना जो है इस्लामिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग सेकंड मंथ जो है सफर, उसकी 14 तारीख को आपका उर्स होता है। जो आपसे, जो आपके डिवोटीज हैं वो आते हैं, और आपकी अकीदत मंदी में जो है ना आपके जो गाए हुए गीत हैं, पोइट्री हैं, वो करते हैं। अदीब जो है मकाले लिखते हैं, सुनाते हैं, बोलते हैं। और शाब्दुल लतीफ बेटाई का जो मैसेज था वो मैसेज ऑफ लव था, वो ब्रदरहुड, जस्टिस, और जो है जस्टिस को ही जो है ना वो आपका मैसेज था, और आपका यही आपके मुताबिक जिंदगी का गोल था। इस चैप्टर में ये सब कुछ था। अब हम इसकी वर्किंग पर आएंगे। स्टूडेंट्स, आपने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया होगा, अब आप सेकंड चैप्टर करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग सेकंड चैप्टर की पहले हेडिंग डालेंगे, टाइटल पेज बनाएंगे शाब्दुल लतीफ बेटाई, देन नेक्स्ट पेज से आप लोग वर्ड्स मीनिंग करेंगे। सबसे पहले वर्ड्स मीनिंग हम लोग कैसे करते हैं, पहले वर्ड्स होते हैं फिर
इंग्लिश मीनिंग देन उर्दू मीनिंग। मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। फर्स्ट जो है आप लोगों की वर्ड, फर्स्ट वर्ड है आप लोगों का एक्वायर, उसकी इंग्लिश मीनिंग है ऑब्टेन और उर्दू मीनिंग है हासिल करना। सेकेंड है आप लोगों का अक्यूज, उसकी इंग्लिश मीनिंग है वेक और उर्दू मीनिंग है जगाना। थर्ड वर्ड है आप लोगों का बैंक, उसकी इंग्लिश मीनिंग है साइड ऑफ अ लेक और रिवर, उसकी उर्दू मीनिंग है किनारा। फोर्थ वन जो है आप लोगों का वर्ड वो है ब्लेसिंग, उसकी इंग्लिश मीनिंग है आप लोगों की डिवाइन फेवर और उर्दू मीनिंग है ब्लेस रहमत। जो नेक्स्ट वर्ड है काम, उसकी इंग्लिश मीनिंग है पीसफुल, उर्दू मीनिंग है पुरसकून। तो आप लोगों ने वर्ड्स मीनिंग कर ली, देन आप लोग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे नेक्स्ट पेज से। तो आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ मैन वॉज शाह अब्दुल लतीफ, शाह अब्दुल लतीफ कैसे इंसान थे। आंसर है आप लोगों का, ही वॉज वेरी सेंसिटिव, हिज हार्ट वॉज फिल्ड विद द लव ऑफ गॉड, द ब्यूटी ऑफ नेचर अराउज्ड हिज फीलिंग स्ट्रांगली, ही स्टार्टेड राइटिंग पोइट्री वेयर ही वॉज ओनली बॉय, व्हेन ही वॉज ओनली बॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, सेकेंड क्वेश्चन है आप लोगों का, राइट अबाउट द श्राइन्स ऑफ सेंटली मैन बिल्ट इन पाकिस्तान। इसका आंसर है, देयर आर श्राइन्स ऑफ सेंट्स इन एवरी पार्ट ऑफ आर कंट्री, द श्राइन्स ऑफ दादा गंजबख्श एंड मियां मीर साहेब आर इन लाहौर, बाबा फरीद श्राइन इज इन पाकपतन, वॉज बहाउल हक श्राइन इज इन मुल्तान, शाह अब्दुल लतीफ एंड कलंदर लाल शाहबाज श्राइन्स आर एट भिटशा एंड सहवन इज इन मुल्तान इन सिंध। उसके बाद आप लोगों का थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डज भिट मीन एंड व्हाई शाह लतीफ इज कॉल्ड भिटाई। इसका आंसर है, भिट्स मीन अमाउंट ऑफ सैंड, शाह लतीफ स्पेंड रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ऑन अ माउंट सो ही इज कॉल्ड भिटाई। उसके बाद आप लोगों की फिल इन द ब्लैंक्स हैं। तो पहली फिल इन द ब्लैंक जो है वो है, शाह अब्दुल लतीफ वॉज बॉर्न इन -1689। सेकेंड है भिट मीन्स डैश, जो ब्लैंक है आप लोगों की वो है अमाउंट ऑफ सैंड। उसके बाद थर्ड जो है वो है हिज वुड्स ऑन डैश सफर एवरी ईयर, जो ब्लैंक में आएगा वो आएगा 14th। फोर्थ है आप लोगों की शाह लतीफ लव ऑफ गॉड ग्रो डैश, ब्लैंक में आएगा आप लोगों का डे बाय डे। उसके बाद फिफ्थ है डैश इज द सिंपल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उसका जो इस ब्लैंक है उसमें आएगा तंबूरो। अब हम शॉर्ट नोट करेंगे, मैं रीड कर रही हूँ शॉर्ट नोट। शाह लतीफ वॉज अ ग्रेट सेंट्री पोइट ऑफ सिंध, हिज पोइट्री इज सिंपल एंड मूविंग, ही वॉज ऑल्सो अ म्यूजिशियन सो ही मेड म्यूजिक सिंपल एंड इन्वेंटेड अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड तंबूरो। शाह लतीफ स्पेंट द लास्ट पार्ट ऑफ हिज लाइफ ऑन अ भिट, ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम देयर एंड प्रेयर्स डिवोशन और कंपोजिंग वर्सेज इन गॉड्स प्रेज। शाह डाइड ऑन द भिट एंड वॉज ब्यूरीड देयर, हिज वर्स इज हेल्ड ऑन 14th सफर एवरी ईयर। अब हम करेंगे सेंटेंसेस, तो मैं पहले वर्ड बोलूंगी देन उसका सेंटेंस बोलूंगी। तो पहला सेंटेंस है ब्लेसिंग, उसका सेंटेंस है गॉड हैज बेस्टोड अस अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स। सेकेंड है आप लोगों का फेमस, उसके सेंटेंस है अल्लामा इकबाल इज द फेमस पोइट ऑफ मुस्लिम्स। थर्ड वर्ड है आप लोगों का रूल, उसका सेंटेंस है वी ओबे द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ आर कंट्रीज लॉ। फोर्थ है आप लोगों का श्राइन, उसका जो सेंटेंस है वो है कायदे आजम श्राइन इज इन द कराची। उसके बाद है फिफ्थ इन्वेंट, उसका सेंटेंस है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन्वेंटेड द टेलीफोन।